हेलो नमस्कार, नमाचार में आपका स्वागत है। आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। अतिथि शिक्षकों के नियुक्ति को लेकर, नियमितीकरण को लेकर सरकार ने 90% मांगों को मान लिया गया है। अतिथि शिक्षकों की एक तो अनुबंध इनका 10 माह का कर दिया गया है और 10 अंक दिए जाएंगे प्रतिवर्ष के, अधिकतम 150 अंक दिए जाएंगे और बहुत सी मांगें मान ली गई हैं। 8 बिंदु जो रखे गए थे उनको सभी को मान लिया गया है, बस 2 बिंदुओं को नहीं माना है। एक नंबर एक है नियमितीकरण का, सबसे बड़ा बिंदु है जो नियमितीकरण का, उसको नहीं माना है और सभी बिंदुओं को मान लिया गया। तो मैं इसके संबंध में पूरी विस्तार से जानकारी आपको देने वाला हूं और लाइव वार्ता आपको सुनाने वाला हूं कौन कौन से बिंदुओं पर सरकार की सहमति बनी है। आप वीडियो बने रहें, वीडियो पूरा देखें, वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ऐसी नहीं अपडेट पाने के लिए। क्या कहना है अतिथि शिक्षकों का, शासन का और मीडिया का, वीडियो बने रहें। शिक्षकों की मांगे पूरी हो गई हैं। देखिए एक चीज मैं बता दे रहा हूं आपको, सरकार अगर कोई काम अच्छा करती है उसको भी बताने में बड़ा मजा आता है। सड़क पर बैठ रहे हैं लोग, मांग कर रहे हैं हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। पहले दिन मुख्यमंत्री निवास में बुलाया जाता है, मुख्यमंत्री आवास में बुलाया जाता है और दूसरे दिन मांगे पूरी हो जाती है। और मांग कितने सालों की है, कैंपेन चलाया जा रहा है इस पर। आज अच्छी खबर आई है मध्य प्रदेश से, अतिथि शिक्षकों की बात कर रहा हूं। बातचीत हो गई है, सरकार और अतिथि शिक्षकों के बीच सहमति बन गई है। अतिथि शिक्षकों ने प्रदर्शन भी फिलहाल खत्म कर दिया है। राहत की खबर है। कल भोपाल की सड़कों पर करीब 8,000 अतिथि शिक्षकों ने प्रदर्शन किया। गुस्सा इतना ज्यादा था कि भारी बारिश के बीच भी शिक्षकों का प्रदर्शन जारी रहा। अतिथि शिक्षक हाथ में तिरंगा लेकर प्रदर्शन करने पहुंचे थे, रिपोर्ट देख लीजिए, इसके बाद आगे बात करेंगे। खुशखबरी आई है आज, रिपोर्ट दिखाइए। आप लोग अतिथि शिक्षक सब सुन ले, आपका मजमा गैर कानूनी घोषित कर दिया गया है। आपकी हरकतें बार बार उल्टी होती रही है। देखिए एक बड़ा प्रदर्शन यहां पर चल रहा है और अतिथि शिक्षक जो है मुख्यमंत्री कार्यालय घेरने के लिए निकले थे, लेकिन यहां पर जो है पुलिस जो है इनको रोकने की कोशिश कर रही है। अभी करो, अर्जेंट करो, हमको परमानेंट करो, ये नारेबाजी लगातार कर रही है। देखिए पिछले साल मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अतिथि शिक्षकों को परमानेंट करने का ऐलान किया था। उसी ऐलान को आधार बनाकर अतिथि शिक्षक प्रदर्शन कर रहे थे, जिसके बाद आज अतिथि शिक्षकों के प्रतिनिधि मंडल ने शिक्षा विभाग के साथ बैठक की। बैठक में शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह से शिक्षकों ने कई मुद्दों पर चर्चा हुई। शिक्षा विभाग ने नियमितीकरण को छोड़कर बाकी सभी मांगों को लगभग मान लिया है। कौन कौन सी मांगों पर सहमति बनी विस्तार से समझना चाहते हैं। ₹23-24 में 30% से कम परीक्षा परिणाम देने वाले अतिथि शिक्षकों को नियुक्ति में एक मौका दिया जाएगा। जनजाति का भी ऑनलाइन पोर्टल बनाया जाएगा। इतने विस्तार से कोई नहीं समझाएगा। सरकार इसी तरह समाधान के रास्ते पर बात करती रहे और समाधान करती रहे, यही अच्छी खबर है हमारे लिए भी, अतिथि शिक्षकों के लिए भी और सरकार के लिए भी। धरने प्रदर्शन तो